हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सुबह के 8 बज चुके हैं, इस समय हम लोग पॉलिटेक्निक का टेस्ट देते हैं जी। और ये आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक का ही नहीं, आपको पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि पारा मेडिकल में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी का हम लोग पूरा उसका जो है टेस्ट आज लगाने वाले हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, जिसमें 12 प्लस एनी हाउ सही करना है। और मुझे उम्मीद है जो इस चैनल का पेड कोर्स, पेड स्टडी पीडीएफ लिए हुए होंगे, वो 12 प्लस एनी हाउ सही करेंगे। ठीक है ना, कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो 15 आउट ऑफ 15 भी सही करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको बता दो कि टारगेट यहाँ पे पॉलिटेक्निक का जो है ना टेस्ट नंबर आज 70 है। ऑलरेडी जो है 69 टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे टाइमर यहाँ पे जो है आप लोगों को डिस्प्ले होगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करूंगा और उसी टाइम के अंतर इंटरवल में आपको आंसर देना है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि 30-30 क्वेश्चन का सभी जो सीरीज होता है, यानी 90 क्वेश्चन टोटल होते हैं 450 नंबर का। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा आज जो है इस टेस्ट में जो है टोटल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं, ये रहा आपका टाइमर। टाइमर के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन का जो है ना लेवल सेट करूंगा कि जो है कितना देर में आपको बनाना है। और उससे पहले आप लोग को बता दूं, जो पेड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट आप लोग को पीडीएफ देखिए सारा आपको करवाया गया था क्लासेस में, ये सारा पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है, स्टडी मटेरियल। ये सभी लोग स्टडी करके आए हैं ना जी, ये सभी स्टूडेंट पहले बता भी दिया गया था कि आज इस चीज का टेस्ट होने वाला है। सभी लोग इस चीज को आप स्टडी पीडीएफ देखिए, फॉर्मूला के साथ में सारा इंडिकेट कर दिया गया है। नोट्स, ये नोट्स आप लोग पढ़ के आए हैं ना, सभी को दे दिया गया था, ये नोट्स पढ़ के आए हैं ना। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी उसका जो है करवा दिया गया था। तो ये सभी आप लोग करके आए हैं कि नहीं, पेड वाले स्टूडेंट सभी लोग अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए, साथ में सभी का फॉर्मूला भी जो है आप लोग को दे दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आप लोग को जो जो स्टूडेंट अभी भी पेड कोर्स अभी ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पूरा कंप्लीट सिलेबस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का मात्र जो है ना जो है आपको 399 रुपये मिल जाएगा। आपको करना क्या है, 8544-6153-52 नंबर पे व्हाट्सअप करना है, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। मात्र 399 में पूरा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल का, जो भी व्यूअर होंगे। अब तक 180-90 प्लस स्टूडेंट जो है ना ज्वाइन कर चुके हैं, तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अब जो है रिविजन करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए, सभी बच्चे रेडी हो गए टेस्ट देने के लिए। सबसे पहले आपको 10 सेकंड का टाइमर आपके सामने डिस्प्ले होगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सभी लोग बनाइएगा। पूरा न्यूमेरिकल भी इसमें आप बहुत इंक्लूड किया गया है, तो न्यूमेरिकल को भी आपको बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है ना, आपको मात्र 20-22 सेकंड समय दिया गया है। सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। मात्र 22 सेकंड समय दिया गया है आपको, सब लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, एक बाट बराबर क्या होता है, आंसर दीजिएगा जी, एक बाट बराबर क्या होता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना, एक जूल प्रति सेकंड, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। एक जूल प्रति सेकंड, एक बाट को एक जूल प्रति सेकंड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, एक बाट बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल प्रति सेकंड। और बाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का ही मात्रक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक बाट सेकंड बराबर एक बाट गुने सेकंड, यानी एक जूल होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए जाते हैं।
इस क्वेश्चन को बताइएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, मात्र दिया गया है 17-18 सेकंड। चलो आंसर दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है। चलो आंसर दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का समेशन होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किसी यांत्रिक प्रणाली में किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को ही उसका यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक सभी लोग इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है। चलिए बनाइएगा, एक इंजन 10 किलो वाट शक्ति उत्पन्न करता है, एक इंजन जो है 10 किलो वाट शक्ति उत्पन्न करता है, यह 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर तक ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दे रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो समय दे रहा हूं, दो मिनट समय दे रहा हूं, दो मिनट समय दिया गया है। बनाइए सभी लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 किलोवाट पावर भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, जी का वैल्यू भी दे रखा है, क्या लेना है। जो नहीं रहता तो 9.8 ले लेते हैं। हमको क्या निकालना है, 40 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय, टाइम निकालना है, हाइट भी दे रखा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी एक्सपीरियंस आंसर आ जाएगा, आंसर दीजिए सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। अभी भी 1 मिनट 3 सेकंड समय बचा हुआ है। दीजिए सभी लोग आंसर फटाफट। एक इंजन 10 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है, यह 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लेगा। टाइम आपको निकालना है। पावर ओवर क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के तो आंसर निकाल देना। मैं वैसे ज्यादा समय दे दिया हूँ, इतना समय इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए नहीं देगा। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पास समय है प्रैक्टिस करने का, खूब प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके उतना क्वेश्चन को। पीडीएफ से डाउनलोड करके पीडीएफ सारा पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस को किया कीजिए। चलिए, जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा 8 सेकंड, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा, एक इंजन 10 किलोवाट प्रति शक्ति उत्पन्न करता है, या 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर तक ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लेगा। यानी कहने का मतलब जो दिया हुआ उसको लिख लिया जाता है, यानी पावर वावर कितना है, 10 किलोवाट है। किलोवाट को हम लोग वाट में कर देते हैं, यानी कहने का मतलब 10 गुने क्या हो जाएगा, सेकंड है ना, ऐसा यहाँ पे यूनिट दिया हुआ, यानी 10 गुने 1000 हो गया, 10 गुने 1000 वाट आ गया, 1000 वाट आ गया, ठीक है। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 200 किलोग्राम गिवन है। हाइट कितना गिवन है, हाइट गिवन है 40 मीटर है, 40 मीटर गिवन है। जी का वैल्यू कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। देखिए यहाँ पे गिवन है, हमको निकालना किसका है, टाइम निकालना है, टाइम बराबर वाट, सब कुछ गिवन है तो टाइम ही तो निकालना है ना। तो क्या हम सब फॉर्मूला लगेगा जी, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सारा फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया गया, वर्क डन अपॉन टाइम। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को लिख सकते हैं एमजीएच अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब
पावर कितना दे रखा है, पावर हम लोग को आ गया है 10 × 1000, इतना पावर दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा mgh। मास कितना है 200, जी का वैल्यू कितना है 10 है। एकदम प्रत्येक स्टूडेंट को जो है न्यूमेरिकल समझ में आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और हाइट कितना है 40 है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकाल दीजिए फटाफट। ये दो से ये दो कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी 4 × 8 हो गया। टाइम बराबर क्या आ गया, 8 सेकंड आ गया। टाइम बराबर 8 सेकंड, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़िए। आज बहुत न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, मजा आ जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा, 7th नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट समय दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, बनाइएगा। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत न्यूमेरिकल आज लाया गया है। बिजली की एक मोटर जल उठाने वाली पंप के चक्र में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर/सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर का शक्ति क्या होगा, बनाइएगा सभी लोग। सभी से आंसर मुझे चाहिए, अभी 33 सेकंड और है आपके पास। सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 9 किलोवाट, ऑप्शन बी जिन जिन स्टूडेंट का आ रहा है आंसर ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, 9 किलोवाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, बिजली की एक मोटर जल उठाने वाली पंप के चक्र में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर/सेकंड की दर से जो है लपेटती है, तो मोटर की आपको निकालना है शक्ति क्या होगा, मोटर की शक्ति पावर निकालना है। तो आपको देखिएगा पंप के चक्र में उत्पन्न तनाव फोर्स कितना लग रहा है जी, फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है, 4500 न्यूटन का लग रहा है, 4500 न्यूटन का लग रहा है। मोटर के लपेटने की दर यानी भी कितना है, भी जो है 2 मीटर/सेकंड है, 2 मीटर/सेकंड है, ठीक है ना। इसे लपेटने की दर कितना, 2 मीटर/सेकंड, ये पता है, भी पता है, हम लोग पावर मोटर की शक्ति हमको निकालना है, मोटर की शक्ति निकालना है, क्या निकालना है, मोटर की शक्ति निकालना है यानी पावर निकालना है। पावर वावर क्या हो जाएगा, एफ वी होता है, ठीक है ना। एफ वी यानी कहने का मतलब एफ कितना है 4500 × भी कितना है, दो है 4500 × 2 हो जाएगा, 4500 × 2 यानी 9000 वाट आ गया। हमको क्या निकालना है, आंसर सर किलो वाट में है, तो 9000 वाट आ गया पावर बराबर, लेकिन आंसर किलो वाट में है तो किलो वाट कर दीजिए। हमको पता है कि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है, ये तो पता है ना सभी को, तो कर दीजिए पावर बराबर क्या हो जाएगा, 9 किलो वाट आ गया, 9 किलो वाट यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे बढ़िए। चलिए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आज न्यूमेरिकल खूब करना है। चलिए इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा, क्या है जी, 100 किलोवाट समर्थ वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसमें लगे समय का परिकलन कीजिए, जी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट समय दूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। चलिए बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स से चाहिए मुझे आंसर, सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। और इसी टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं ना, जितना क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ जो है सारा प्रोवाइड करा गया, सारा को स्टडी कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आप ले पाइएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए सारा पीडीएफ को।
चलिए अभी भी टाइम है 5 सेकंड, बहुत लोग आंसर आ गया है अभी। चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब चीज तो गिवेन है, ये है तो डायरेक्ट हमको क्या है 100 किलोग्राम। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो स्टूडेंट का आंसर 2.5 सेकंड आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, 100 किलोग्राम, हाँ सॉरी 100 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है ना। तो यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा जी, वर्कडन अपॉन टाइम होता है। वर्कडन को लिख सकते हैं MGH बटा टाइम हो गया, बिल्कुल MGH बटा टाइम हो गया। मास कितना गिवन, हमको क्या निकालना है जी, हमको टाइम निकालना है। यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा MGH अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। टाइम बराबर MGH अपॉन P हो गया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैं बता दूँ मास कितना गिवन है, 500 किलोग्राम गिवन है, 500 केजी गिवन है, और क्या गिवन है, और जी का वैल्यू कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और क्या गिवन है, और पावर भी गिवन है, पावर किलो वाट है ना, और कितना है जी, चलिए पावर गिवन है 1000 किलोवाट समर्थ है, चलिएगा 1000 किलोवाट को वाट में कर देंगे, वाट में कर देंगे, 100 किलोवाट है ना, तो 100 किलोवाट को क्या कर दीजिएगा, पावर कितना हो जाएगा, 100 किलोवाट को वाट में कर दी, किलोवाट को वाट में कर दीजिए डायरेक्ट, यानी 100 × 10³ आ गया, ठीक है। सारा चीज तो हम लोग को पता चल गया, और क्या गिवेन है, एच हाइट गिवेन है, हाइट कितना गिवेन है, हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर है, सारा चीज है, बस वैल्यू पुट कर देना है। टाइम बराबर आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा, मास कितना है, 500 × 10 × 50 बटा पावर कितना है, 100 × 10³ है। यहां से सोल्व कर लीजिएगा, टाइम बराबर आ जाएगा 2.5 सेकंड आ जाएगा, सोल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना, सेकंड यानी 2.5 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक स्टूडेंट को न्यूमेरिकल समझा दूंगा, बस टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए इसको बनाइएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट समय दे रहा हूँ, बनाइएगा, 1 मिनट समय दिया गया है। इस चैप्टर से इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सारा का PDF जो है पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए पेड ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं पर्सनल एडवाइस समझिए, ठीक है ना, बहुत बेनिफिट होगा, एग्जाम दीजिएगा तब समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इसको क्या करना है जी, कोई वस्तु 10 मीटर ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर ले जाई जाती है, ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिसे 15 सेकंड का समय लगता है, ऊपर जाने में 15 सेकंड का समय लगता है। यदि कार्य करने की दर 100 जूल पर सेकंड हो तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी हम लोग को मास निकालना है कितना है, ठीक है ना। चलिए सेम फॉर्मूला वही लग जाएगा, पावर बराबर वर्कडन अपॉन टाइम, यानी वर्कडन को MGH अपॉन T, सेम फॉर्मूला यूज करके मास निकाल दीजिए। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप, जिस स्टूडेंट का आंसर 15.3 kg आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कैसे आ रहा है। क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है कितना जी, 100 जूल गिवन है, 100 जूल पर सेकंड गिवन है। हाइट कितना गिवन है, हाइट गिवन है 10 मीटर, और क्या गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 15 सेकंड, और क्या गिवन है, जी कितना है, जी का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं ना दे रखा, वो दोनों क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा, तो हम लोग ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सारा चीज गिवन है, पावर बराबर क्या होता है, वर्कडन अपॉन टाइम होता है, वर्कडन को MGH लिख सकते हैं, MGH अपॉन टाइम हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, मास निकालना है, मास यानी M निकालना है, M बराबर क्या हो जाएगा, PT बटा क्या हो जाएगा, GH हो जाएगा, PT बटा GH हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। पावर कितना है जी, पावर आपका कितना है, पावर आपका देखिए 100 है, टाइम कितना है, 15 सेकंड है, जी कितना है, 9.8 है, एच कितना है, 10 है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, मास जो आ जाएगा 15.3 kg आ जाएगा, 15.3 kg इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा,
यदि एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20-20 केजी इज राइज थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन हिज प्रोसेस। और जी का वैल्यू भी दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट समय दिया गया इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट समय दिया गया है। सभी लोग आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। बनाएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए जी, गड़बड़ कोई नहीं करेगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक सबसे पहले कीजिए, इतना मजेदार सेशन आप लोगों को मिल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर करने में आपको क्या प्रॉब्लम होता है, कितना मेहनत करके वो वीडियो बनता पता है आपको, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करने में कभी नहीं कीजिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा है ना, ऑप्शन ए 400 जूल आ रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है जी, मास कितना गिवन है, मास 20 केजी गिवन है, और क्या गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट देखिए, जो गिवन रहता है ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है, वो चीज को लिख लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कौन यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। हाइट कितना गिवन है, 2 मीटर गिवन है, ठीक है ना। जी का वैल्यू, त्वरण कितना गिवन है जी, त्वरण भी देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, अगर नहीं दिए हुए रहेगा तो 9.8 ले लीजिएगा। अतः हम लोग क्या है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति जुड़ जाए, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि वर्कडन बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh है, होता है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम लोग को मास गिवन है, जी गिवन है, एच गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वर्कडन बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना है जी, मास यहाँ पे 20 है, जी का वैल्यू 10 है, हाइट आपका 2 है, यानी वर्कडन बराबर आ गया 20 × 40 400 जूल आ गया, 400 जूल यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए जिनका जिनका आया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये भी नोमेरिकल का, आज बहुत नोमेरिकल लाया गया है, ठीक है ना। 12 किलोग्राम का एक बम विस्फोटक होकर 4 केजी तथा 8 केजी के दो खंडों में टूटता है, तो 8 केजी द्रव्यमान वाले खंड का वेग 6 मीटर हो तो दूसरे का निकालना है। 1 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। सभी लोग आंसर दीजिए, बनाइए सभी लोग। क्या जी, गतिज ऊर्जा निकालना है ना, तेरा गतिज ऊर्जा निकालना है, तो गतिज ऊर्जा आपको पता ही होगा, 1/2 mv² से निकाल दीजिए, फटाफट। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी 288 जूल आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जी, m1 गिवन है, 8 किलोग्राम गिवन है, मास पहला गिवन है 8 किलोग्राम, और क्या गिवन है, देखिए 8 किलोग्राम है। दूसरा क्या गिवन है जी, m2 कितना गिवन है, देखिएगा एक 8 किलोग्राम का है, एक जो है 4 किलोग्राम का है, m2 गिवन है 4 किलोग्राम है, m1 m2 गिवन है, मास दोनों का गिवन है, और v1 कितना गिवन है, पहला का वॉल्यूम कितना गिवन है जी, यहाँ पे देखिएगा 6 मीटर पर सेकंड कितना गिवन है, और देखिएगा यहाँ पे वेग कितना गिवन है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड गिवन है, और v2 हम लोग को निकालना है, v2 नहीं गिवन है, ठीक है।
वी टू दूसरे के गति जुड़ जाए उसका नहीं गिवन है, वी टू बराबर भाट हो गया। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, रिलेशन एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू जानते हैं, सभी को पता है ना, ये सारा आपको लिखवाया गया है। एम वन वी वन और एम टू वी टू वैल्यू पुट कर दीजिए, वी टू यहाँ से निकल जाएगा, यानी एम वन कितना है 8 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने वी टू हो जाएगा। तो वी टू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 दुनी 8 6 दुनी 12 12 आ गया, वी टू आ गया 12 आ गया, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, दूसरे का गतिज ऊर्जा निकालना, इसका गतिज ऊर्जा निकालना। गतिज ऊर्जा क्या होता है, कनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी हाफ एम मास कितना है जी 4 है, दूसरा का निकालना है, दूसरा का हम लोग को वैल्यू कितना है, दूसरा का वेलोसिटी कितना है जी वेट 12 है, यानी 4 गुने 12 हो जाएगा, यानी चरतरी के 12 और बढ़तरी के 36, बढ़तरी के क्या हो जाएगा, और सॉरी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 गुने 12 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बढ़ती है 36 और 36 गुने बढ़ती 36 गुने 12 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 288 आ जाएगा, 288। और सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 दुनी के 4 2 होगा ना जी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2 होगा ना, यानी कहने का 12 दुनी 24, ध्यान से देखिएगा 12 दुनी 24 गुने 12 कर दिया, 4 दुनी 8 288 आ जाएगा, 288 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन के लिए एक मिनट समय दिया गया है, बनाएगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन क्या होगा, बताइएगा। इसमें इतना समय क्यों हम दे दिए, इतना समय नहीं देना चाहिए, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप करता हूँ जी, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी शून्य हो रहा है, आ रहा है ना जीरो, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाता है बल गुने विस्थापन होता है ना, विस्थापन होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि W यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर लगने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई विस्थापन नहीं, अर्थात विस्थापन इसका शून्य होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक मिनट समय दिया गया है, बनाइए सभी लोग। वर्क डन बाय ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म होल्डिंग ए सूटकेस वेटिंग 10 kg, 10 किलो वजन का सूटकेस को उठाकर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री क्या है, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे क्या है जी, 10 किलो वजन वाला सूटकेस लेकर खड़ा है, मूवमेंट में नहीं है, सिर्फ खड़ा है, तो आपको क्या है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन हो जाएगा, यानी वर्क बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना दे रखा है जी, चलिए भी टाइम है, कितना है, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले करेक्ट आंसर है, बल कितना है 10 दे रखा है, 10 दे रखा है ना 10 kg, विस्थापन यहाँ पे क्या होगा जी, शून्य होगा, ठीक है ना, विस्थापन यहाँ पे शून्य होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खड़ा है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर जीरो आ जाएगा, W बराबर जीरो आ जाएगा, तो कहने व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो जूल होगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है, अतः हम लोग बोल सकते हैं, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा, कोई काम कार्य ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो चुपचाप खड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको जो समय दिया गया है ना, मात्र जो है 25-26 सेकंड दिया गया। सब लोग आंसर दीजिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। सब लोग आंसर दीजिएगा, 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। सब लोग आंसर दीजिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है ऑप्शन सी जो बोल रहा हूँ, 746 वाट, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। रटवाया गया था सारा, जितना भी ये सब जो है ना आपको पेड वाले स्टडी PDF जो दिया गया ना, उसी में सारा कॉन्सेप्ट सारा थ्योरी हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट करके VVI करके आपको इंडिकेट किया गया, इसलिए सभी स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। 1 अश्वशक्ति बराबर हॉर्स पावर बराबर 740 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना, और अश्वशक्ति शक्ति का ही मात्रक होता है जी, ये सब है ना, जितना भी ये सब है देख सकते हैं, ये जो आपको PDF जो दिया गया है ना, इसमें देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी में मिल जाएगा, सारा जितना जो मैं आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो करवा रहा हूँ वो सारा इसी में मिल जाएगा। देखिएगा पूरा बल फोर्स बराबर क्या होता है, इसमें जो पूरा आपको मिल जाएगा, सब इंडिकेट करके जो है आपको लिखा गया है, ठीक है ना। इसलिए इसको एक बार ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देखिए किलो वाट से वाट में कैसे, देखिएगा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा पूरा इंडिकेट करके लिखा लेना, देखिए 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, मैं बोल रहा हूँ ना सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा PDF में, इसलिए PDF को जरूर पढ़ना है। और PDF को जो स्टूडेंट नहीं लिए वो समझिए कि कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड निर्भर करती है, बताइएगा सभी लोग किस पे डिपेंड करती है जी, सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको समय दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 20 सेकंड, सभी लोग दीजिएगा आंसर, बताइएगा सभी लोग। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान और वेग पे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और किसी भी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा जो है ना उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है, और गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होता है आपको पता ही होगा कि 1/2 MV² होता है, यानी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विद ए मास ऑफ 22 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 m/s पोसेस एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 m/s, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दे रहा हूं, बनाइएगा सभी लोग, 1 मिनट समय दिया गया है, सभी आंसर मुझे चाहिए, बहुत इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी पूरा धांसू तरीका से करवाया गया है, PDF को स्टडी कीजिए और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पेड वाले ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, इसीलिए। और वैसे सभी PDF में फॉर्मूला जो इंडिकेट किया गया और स्पेशल लिखा भी गया है, तो सारा चीज को पढ़ते हुए चलना है, नहीं 20 सेकंड और समय बचा हुआ है, सब लोग आंसर दीजिएगा। चलिए जिन स्टूडेंट का आंसर 275 जूल आ रहा है ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 MV² होता है, यहाँ पे मास भी गिवेन है, 22 kg गिवेन है,
ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट मास ऑफ 22 kg मूविंग विथ वेलोसिटी भी गिवेन है, वी गिवेन है 5 m/s गिवेन है। हमको काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ मास कितना गिवेन है 22 गिवेन है, बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 × 5 हो जाएगा। इधर ध्यान नहीं देना है, यानी हाफ 25 × 5 = 110 × 5 यानी है ये क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है ना। 550 का आधा क्या होता है 275 होता है, 275 जूल हो जाएगा, 275 जूल यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट समय दूंगा, इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट समय दे रहा हूँ, सब लोग आंसर दीजिएगा। एक ट्रॉली को एक केबिल के द्वारा पहाड़ की चोटी और 4×10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 m/s की वेग से खींचा जाता है, तो ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो कितना कार्य करना होगा, आपको कितना कार्य करना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी वर्क निकालना है। वर्क निकालना है तो जूल में ही आंसर आएगा, बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। दीजिए फटाफट आंसर दीजिए, चलिए 2 सेकंड और समय है, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी जो आया है ना, जो ऑप्शन बी बोल रहे हो 6×10⁶ जूल, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना। कैसे आएगा वो चीज को देखिए, एक ट्रॉली को एक केबिल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4×10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 m/s के वेग से ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट समय लगता है, तो इसमें कितना कार्य किया गया वो आपको निकालना है। तो चोटी पर पहुंचने में ट्रॉली का विस्थापन क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले विस्थापन निकाल दीजिए, तब ना बर्कडन निकालिएगा, बर्कडन बल गुणा विस्थापन हो जाएगा, यानी विस्थापन चोटी पर पहुंचने में ट्रॉली का विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा वेग गुणे क्या हो जाता है, समय हो जाता है, ठीक है ना, वेग गुणे समय होता है, ठीक है। इस सभी जो है फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, वेग कितना है जी, वेग देखिएगा 5 m/s से जा रहा है, यानी 5 हो जाएगा, समय कितना है 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कर देते हैं तभी ना आएगा मीटर में, ठीक है, यानी 5 × क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको नोट कर दीजिएगा, तो 6×5 = 25 यानी क्या हो जाएगा 150 आ गया मीटर, 1500 मीटर हम लोग को विस्थापन आ गया। अब हम लोग को निकालना है इसमें किया गया कार्य क्या है, यानी किया गया कार्य निकालना है, अब किया गया कार्य निकालना है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है ना, बल गुणे विस्थापन होता है, यानी बल कितना है, फोर्स कितना है जी, फोर्स कितना है देखिएगा, दे ले 4×10³ न्यूटन दे रखा है, यानी 4×10³ न्यूटन विस्थापन कितना है 1500, यानी वर्क डन बराबर क्या आ गया
यहाँ पे पॉइंट को हटा, 10 को पावर 3 को हटा दीजिए, यानी 15 चौके 60, यानी 6.0 गुने 10 के पावर 6 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, यानी वर्कडन बराबर क्या हो जाएगा, 6.0 गुने 10 के पावर 6 जूल हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग को आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। एक मिनट समय दिया गया, सभी लोग आंसर चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग को आधा कर देने पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। आधी होगी, दोगुनी होगी, चौगुनी होगी या परिवर्तित रहेगी। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट वाले स्टूडेंट जो है ना, मुझे उम्मीद है कि बहुत स्टूडेंट 15 में 15 लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी जो है पीडीएफ में अच्छे तरीका से इलेबोरेट कर दिया गया है। बारह सेकंड और बचा हुआ है, 7 सेकंड, 7 सेकंड। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा, आधी हो जाएगी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। होता है कि नहीं, होता है बिल्कुल। अब हम लोग बाई क्वेश्चन से चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट याद किए हुए रहते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कैसे आता है, ठीक है ना, कि बाई क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है जी, हाफ क्या बोल रहा है, मास को दुगना कर दिया जा रहा है, यानी मास m है, इसको दुगना कर देते हैं, 2m हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी वेग को आधा कर दिया जा रहा है, यानी v को आधा कर दिया जा रहा है, ठीक है, चलिए कर दिए। अब क्या हो रहा है, इसको जरा थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, क्या हो गया, 1/2 गुने 2m गुने 1/4 v² हो गया। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 × 4 हो गया, 2 हो गया, यानी कहने का मतलब हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो गया, यानी कहने का मतलब हाफ mv² क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इतना इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, हाफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया, हम लोग लिख सकते हैं, अतः पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है ना, आधी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, पिंड की गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब बताइए कि आपको 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है ना, सभी लोग बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ नहीं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको कितना सही हुआ। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पेड स्टूडेंट को मैं उम्मीद करता हूं आगे जितने भी और टेस्ट होने वाले हैं सबसे बेहतरीन जो है वो उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। 8544-6153-52 ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मात्र 399 में पेड कोर्स जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, 2 महीना में तो आप पॉलिटेक्निक क्या चीज है जी, इसको तो अच्छे तरीका से आप लोग स्टडी करके अच्छा रैंक ले लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप पूरा आपको पीडीएफ जो है इन लोगों को दे दिया जा रहा है पूरा इलेबोरेट करके, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।